औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सोशल स्टडीज ग्रेड 7। टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर लेसन नंबर 10, व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। फाउंडेशन मीन्स बुनियाद, यानी मुगल एम्पायर या मुगलिया सल्तनत, सल्तनत मुगलिया की बुनियाद। After reading this lesson, we will be able to identify the factors which contribute to conquest of India by Babur, different challenges and their response, Shershah Suri, his power and his successes and downfall, different administrative structures, communication networks and public welfare institutions, reforms by Shershah Suri. So let's read it. In 1526, Babur defeated and killed the last ruler of Delhi Sultanate, Sultan Ibrahim Lodi. In the Battle of Panipat, the Lodi dynasty came to an end and Babur became the founder of the great Mughal Empire in India. 1526 mein Babur ne हराया था दिल्ली के जो आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसको पानीपत के जंग में। और उसके बाद जो लोदी खानदान था या डायनेस्टी थी, शाही खानदान घराना था, वो ख़त्म हो गया और बाबर जो है वो मुग़ल एम्पायर का फाउंडर बन गया। यानी वहाँ पे उसने मुग़ल एम्पायर की, मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर क्या है, सल्तनत मुगलिया क्या थी? 1526 से लेके 1856 तक मुगल्स ने रूल किया था इंडिया पे। आफ्टर द लोदी डायनेस्टी, मंगोल्स आल्सो कॉल्ड मुगल्स रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 1526 अंटिल द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। दे वर ओरिजिनली टर्किक मंगोल्स हूज 7 जनरेशन रूल्ड इंडिया सक्सेसफुली। लोदी घराने के ख़त्म होने के बाद वहाँ पे मंगोल्स, मंगोल्स यानी इनको मुगल्स भी कहते हैं, उन्होंने रूल किया इंडिया पे 1526 से लेके और जब तक इंडिपेंडेंस की या आज़ादी की जंग नहीं हुई 1857 तक, तब तक मुगल्स का या मुग़लों का वहाँ पे रूल रहा, उनकी हुक्मरानी रही। वो जो मुगल्स थे या मंगोल्स थे वो टर्किक थे और उन्होंने 7 उनकी जनरेशन्स ने यहाँ पे इंडिया में रूल किया कामयाबी से। ये सारी मुग़ल एम्पायर है उस टाइम की, जो काबुल से स्टार्ट होती थी और ये सारा एरिया जो था ये मुग़ल्स के रूल में था। और ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स में मुग़ल एम्पायर जो थी वो उसने इन सारे एरिया पे रूल किया। ये जो ब्लू में एरिया हमें नज़र आ रहा है, ये मुग़ल एम्पायर की जब बेस रखेगी, फाउंडेशन थी जो उसकी बुनियाद बाबर के दौर में, ये वो इलाका शो कर रहा है। लेकिन बाद में अकबर ने, औरंगज़ेब ने, इन सब ने ये इलाके फतह किए और इस पूरे एरिया पे मुग़ल्स का रूल हुआ। ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 to 1530। द फर्स्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज बोर्न इन रॉयल फैमिली ऑफ काबुल एंड कंधार इन 1483। जो मुग़ल्स का, मुग़ल एम्पायर का पहला हुक्मरान था वो बाबर था, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उसका पूरा नाम था। ये एक शाही खानदान, काबुल के एक शाही खानदान में पैदा हुआ कंधार में 1483 में। हिज फादर उमर शेख मिर्ज़ा टू वॉज अ मंगोल एंड टर्किश रूलर ऑफ फरगाना उज़्बेकिस्तान, अ स्मॉल स्टेट इन सेंट्रल एशिया इन द नॉर्थ ऑफ द हिंदुकुश माउंटेन रेंज। बाबर का बाप उमर शेख मिर्ज़ा दोम मंगोल था और एक टर्किश रूलर था, तुर्की का हुक्मरान था। और फरगाना जो उज़्बेकिस्तान एक स्टेट है सेंट्रल एशिया में, वहाँ का ये हुक्मरान था। बाबर वॉज अ ग्रेट रूलर, ही वॉज अ
descendant of King Timur, a Mongol conqueror from his father's side and of Genghis Khan, the great conqueror of 12th century from the mother's side. जो बाबर था वो दोनों तरफ से यानी मदर और फादर दोनों की साइड से एक कॉन्करर्स की जनरेशन में से था और फाते जो थे वो उनके उसके अबाउदाद जो उसकी माँ के रिलेटिव्स में भी थे और जो फादर के बाप के रिलेटिव्स में भी थे वो फाते मंगोल्स थे. विद दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी फैमिली ट्री bravery and ambition were in his blood. क्योंकि वो एक बहुत अच्छे खानदान से था, जैसे फैमिली ट्री से हमें पता चल रहा है कि उसके मदर और फादर दोनों की जो को फादर थे और उन वो लोग फाते लोग थे और इस वजह से इसके खून में भी बहादुरी और एम्बिशियसनेस ये इसके ब्लड में मौजूद थी, जज्बा था उसके खून में. ही वॉज एडुकेटेड एंड हैड अ वास्ट नॉलेज ऑफ पर्शियन. वो तालीम याफ्ता था और उसके पास फारसी अरबी और तुर्की जुबान का बहुत ज़्यादा इल्म था. पोइट्री वॉज हिज हैबिट एंड ही हैड एक्सेलेंस इन लेटर राइटिंग. उसकी जो पोइट्री शायरी थी उसका शौक था, उसकी आदत थी और वो बहुत एक्सीलेंट राइटर था, यानी वो बहुत अच्छी लिखाई में लिखा करता था या वो खताथ था. ही वॉज स्किल्ड इन स्वॉर्डमैनशिप, तलवार चलाने में उस वो माहिर था. आर्करी, तीर अंदाजी में एंड राइडिंग यानी घोड़ सवारी में. He also wrote his autobiography, तुस्के बाबरी. उसने अपनी एक autobiography भी लिखी थी जिसका नाम था तुस्के बाबरी. autobiography वो सुहाने हयात होती है जो इंसान खुद अपनी लिखता है, अपनी पूरी लाइफ के बारे में, सारे इवेंट्स के बारे में जो खुद से लिखी जाती है वो autobiography होती है. Conquest of India. For conquest means फतुहात. In his early life, Babur had to suppress many antagonists in his paternal and maternal families. He and his father had to escape to Samarkand, where some Uzbeks caught them. His father died in 1494 and Babur ascended the throne when he was 11 years of age. He lost and won the throne of Samarkand twice in his life. Antagonists means मुखालिफ. बाबर को बहुत सारे जो अपने मदर और फादर दोनों की तरफ से जो फैमिलीज के मुखालिफीन थे उनका सामना था और वो उसका बाप जो है वो बचने के लिए समरकंद चले गए और जान बचाने के लिए समरकंद गए और वहाँ पे कुछ उज़्बेक्स ने उनको पकड़ लिया और फिर उसका जो बाबर का फादर था वो 1494 में वफात पा गया और फिर जो थ्रोन था तख्त था वो बाबर के हिस्से में आया. बाबर ने 11 साल की उम्र में तख्त नशीनी इख्तियार की यानी उसको वहाँ की हुक्मरानी मिल गई अपने बाप की जगह और उसने बहुत दफ़ा ही लॉस्ट एंड वॉन द थ्रोन ऑफ समरकंद. उसने दो दफ़ा समरकंद का जो तख्त था वो जीता और हारा अपनी लाइफ में. ही बिलोंग टू साउथ एशिया एंड वॉज प्राउड टू बी द एंसेस्टर ऑफ तैमूर हू प्रीवियसली टूक कंट्रोल ऑफ इंडिया इन द 14th सेंचुरी ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी. बाबर सक्सेसफुली कैप्चर्ड काबुल इन 1504. Then Sindh and Kandahar, Afghanistan in 1522. वो साउथ एशिया से बिलोंग करता था, उसका ताल्लुक था और वो बहुत इस बात पे फख्र महसूस करता था कि तैमूर उसके आबाओ अजदाद में से है जिसके पास पहले इंडिया का कंट्रोल था 14th सेंचुरी में ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी यानी जब तुगलक
का खानदान या घराना था तब उस टाइम पे तैमूर ने वहाँ पे रूल किया, कंट्रोल किया उसको। बाबर ने कामयाबी के साथ काबुल फतह किया, फिर उसके बाद सिंध और कंधार 1522 में फतह किया। राजपूत अफगान चैलेंजेस। द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी इब्राहिम लोधी वॉज रूलिंग ओवर द दिल्ली सल्तनत। दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ लाहौर आस्क बाबर फॉर हेल्प इन डिफीटिंग इब्राहिम लोधी। जो लास्ट रूलर यानी आखिरी हुक्मरान था लोधी घराने का, उस इब्राहिम लोधी, उसने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया। वो उस टाइम पे रूलर था, हुक्मरान था, और दौलत खान लोधी जो कि गवर्नर था लाहौर का, उसने बाबर से मदद मांगी कि वो उसको इब्राहिम लोधी को हराने में उनकी मदद करे। बाबर एक्सेप्टेड द इनविटेशन एंड मूव टुवर्ड्स पंजाब। बाबर ने उसका जो इनविटेशन था, दावतनामा था, उसको कबूल कर लिया और पंजाब की तरफ हरकत करने लगा। इन 1525 बाबर एंड इब्राहिम लोधी फोर्ट द बैटल ऑफ पानीपत नियर दिल्ली। दिल्ली के करीब एक जगह है पानीपत, वहाँ पे इन दोनों के दरमियान, बाबर और लोधी के दरमियान जंग हुई। बाबर हैड 12,000 वेल इक्विप्ड सोल्जर्स, वेयर एज इब्राहिम लोधी हैड लार्ज ट्रूप्स ऑफ 100,000 सोल्जर्स एंड 100 एलिफेंट्स। उस टाइम पे बाबर के पास 12,000 अच्छे जो वेल इक्विप्ड मीन्स असले से लेस जो सिपाही थे, और इब्राहिम के पास उस वक्त, इब्राहिम लोधी के पास एक बहुत बड़ी फौज थी 100,000 सोल्जर्स की, और उसके साथ उसके पास 100 एलिफेंट्स यानी 100 हाथी भी थे। बाबर यूज गन पाउडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड किल्ड इब्राहिम लोधी। बाबर ने पहली दफा इंडिया में गन पाउडर जो था उसको यूज किया और उसने इब्राहिम लोधी को मार दिया। विद हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान्स एंड स्किल्स ही कैप्चर्ड द दिल्ली सल्तनत within 3 days and Agra in 11 days. उसने अपनी अकलमंदी की वजह से और extraordinary skills की वजह से, सलाहियतों की वजह से दिल्ली सल्तनत को सिर्फ 3 दिन में capture कर लिया या काबू कर लिया, और आगरा को 11 दिन में। After reaching Agra, Babur God built a garden Aram Bagh facing the Jamuna River. उसने आगरा जब पहुंच गया तो वहाँ उसने अपने लिए एक बाग तामीर करवाया जिसको आराम बाग कहते हैं, और उसका फेस जो था वो जमुना रिवर की तरफ था। द राजपूट्स ट्राइड टू ओवरथ्रो बाबर। राजपूट्स ने बहुत कोशिश की कि वो बाबर को ओवरथ्रो कर दें, लेकिन इन 1527 बाबर्स आर्मी फोर्ड द बैटल ऑफ खानवा आगरा अगेंस्ट मोर देन अ मिलियन सोल्जर्स ऑफ राजपूत रूलर राणा संगा ऑफ खानवा। बाबर ने एक जंग लड़ी खानवा में, आगरा में, राणा राजपूत रूलर्स के अगेंस्ट, और उस वक्त जो रूलर था वो राणा सागा था खानवा का, और ह्यूज आर्मी ट्रूप्स ऑफ राणा संगा वर अ कॉज ऑफ कंसिडरेबल टेंशन इन बाबर्स आर्मी। उसकी एक बहुत बड़ी ट्रूप यानी बहुत बड़ी आर्मी थी, फौज थी उसके पास, जो कि एक टेंशन का बायस बन रही थी बाबर की फौज के लिए। बाबर मोटिवेटेड हिज आर्मी बाय एड्रेसिंग देम इन द बैटलफील्ड वेयर हिज आर्मी वर्ड टू फाइट अंटिल देयर लास्ट ब्रेथ। बाबर ने उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको मुतहरिक करने के लिए बैटल ग्राउंड में यानी बैटल फील्ड में, मैदान जंग में उनसे एक खिताब किया, और जिसकी वजह से वो उसकी फौज ने ये अहद किया कि वो अपने आखिरी सांस तक लड़ेगी। द फोर्ट फेर्सली इन द कॉम्बैट बाबर्स आर्मी कॉट राणा सागा एंड किल्ड हिम। बाबर मूव टू चंद्री वेयर ही फोर्ट अगेंस्ट राजपूत। वहाँ पे बाबर को फतह हासिल हुई, उसने राणा सागा को मार दिया, फिर उसके बाद वो आगे हरकत कर गया, मूव कर गया चंद्री तक, और वहाँ पे उसने राजपूत के अगेंस्ट एक और जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी। बाबर गॉट विक्ट्री, बाबर जो है उसको फतह मिली एंड मूव टूवर्ड्स बिहार, बिहार की तरफ चला गया। फिर वो 1528 में वेयर इब्राहिम लोधी वॉज रूलिंग, वहाँ पे इब्राहिम लोधी जो है वो रूल कर रहा था, हुक्मरानी कर रहा था। ही कैप्चर्ड बिहार एंड मूव टूवर्ड्स
Bengal, where Muhammad Lodi's army fought a battle against Babur at Ghagra in 1529. वहाँ उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और बिहार वहाँ से मूव करके बिहार की तरफ चला गया, बिहार को फतह कर लिया और फिर उसके बाद मूव करके बंगाल की तरफ चला गया और वहाँ उसने एक जंग लड़ी और गागरा के मकाम पे और ही डिफीटेड अफगान्स एंड क्रश देयर कॉन्स्पिरेसी। उसने अफगान्स वहाँ पे थे उनको हरा दिया। उसके बाद 1530 में वो बाबर डाइड एंड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल केम टू एन एंड। 1530 में वो बाबर फोर्ट हो गया, वफात पा गया और उसके बाद एक वो जो इतना लंबा एक पीरियड था सक्सेस का, स्ट्रगल्स का, कोशिश का, वो खत्म हुआ। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, सबसे पहले जो बेस थी, फाउंडेशन थी, वो बाबर ने रखी इन 1526 में से लेके 1530 तक। फिर उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं था जो कि 1530 से उसने रूल करना शुरू किया और 1556 तक उसका रूल रहा। आफ्टर द डेथ ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इन 1530 हिज सन नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बिकेम हिज सक्सेसर एंड असेंडेड द थ्रोन एज द सेकंड रूलर ऑफ मुगल एम्पायर एट द एज ऑफ 23। बाबर की डेथ के बाद उसका बेटा जो था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं वो वहाँ का जानशीन बन उसका जानशीन बन गया और उसने जो तख्त था वो उस टाइम पे लिया जब उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी और वो दूसरा हुक्मरान मुगल एम्पायर का बन गया। ही रूल्ड इंडिया ट्वाइस इन हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ में दो दफ़ा इंडिया पे रूल किया या हुक्मरानी की। बाबर टूक अ स्पेशल इंटरेस्ट इन हिज अपब्रिंगिंग, बाबर ने उसकी जो परवरिश थी उसमें खासी दिलचस्पी ली। हुमायूं वाज एन इंटेलिजेंट एंड क्विक लर्नर, वो एक बहुत ज़हीन और एक जल्दी सीखने वाला इंसान था। ही यूज्ड टू टेक पार्ट इन हिज फादर्स मिलिट्री एक्सपीडिशंस एंड लर्नड टैक्टिक्स ऑफ द बैटलफील्ड फ्रॉम हिम, उसने काफ़ी सारी जो जंगें होती थी वो उन जंगों में अपने बाप के साथ हिस्सा लिया और वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। बैटलफील्ड में क्या क्या टैक्टिक्स यूज होते हैं, किस तरह से लड़ा जाता है, उसने काफ़ी कुछ अपने बाप से सीखा। ही प्लेड अ वाइटल रोल इन टू इम्पॉर्टेंट बैटल्स, उसने दो जो इम्पॉर्टेंट हैं जंगे थी उसमें एक खास रोल अदा किया। द बैटल्स ऑफ पानीपत एंड खानवा, पानीपत की जंग में भी वो शरीक था और खानवा की जंग में भी वो शरीक रहा। इन हिज अर्ली एज ही लर्न टर्किश, अरेबिक एंड पर्शियन लिटरेचर, उसने अपनी छोटी उम्र में ही जल्द ही उसने टर्किश, अरबी और फारसी लिटरेचर को सीख लिया। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी उसके पसंदीदा सब्जेक्ट थे, मजमून थे। एट द एज ऑफ 12 ही बिकेम द गवर्नर ऑफ बदाख्शान वेयर ही वेल एडमिनिस्टर्ड हिज टेरिटरी विद द हेल्प ऑफ स्टेट काउंसलर्स, गवर्नर बन गया 12 साल की उम्र में, जहाँ उसने अपनी जो स्टेट थी उसको, अपने जो टेरिटरी इलाका था उसको अच्छी तरह से एडमिनिस्टर किया अपने स्टेट काउंसलर्स की मदद के साथ। अफगान चैलेंजेस ऑफ हुमायूं, हुमायूं को कौन से अफगान चैलेंजेस थे, किन चैलेंजेस का सामना था। मोहम्मद लोदी एन अफगान रूलर टुक एडवांटेज ऑफ बाबर्स डेथ एंड अटैक जौनपुर बिहार टू कैप्चर इट। मोहम्मद लोदी जो कि एक अफगान हुक्मरान था, उसने उसके बाबर की डेथ का फ़ायदा उठाया और उसने जौनपुर जो कि बिहार में है उस पर हमला कर दिया उसको कैप्चर करने के लिए। हुमायूं डिफीटेड मोहम्मद लोदी एट जौनपुर एंड एडवांस टूवर्ड्स चुनार इन 1532। हुमायूं ने मोहम्मद लोदी को जौनपुर में हराया और उससे आगे वो बढ़ गया चुनार की तरफ। 1532 में चुनार वाजा Sovereign state ruled by Sher Shah Suri, who was a politician and Afghan militant in the Mughal era. A sovereign state means एक आज़ाद state थी, खुद मुख्तार state थी उस वक्त, जो कि जिसपे Sher Shah Suri रूल कर रहा था, जो कि एक politician था यानी सियासतदान था और अफगान militant था Mughal era का। Suri resisted Humayun and finally surrendered.
उसने पहले उसका मुकाबला किया हुमायूं का और फिर उसके बाद सरेंडर कर दिया, हार मान ली। ही प्रॉमिस टू रिमेन लॉयल टू हुमायूं, उसने हुमायूं से वादा किया कि वो उसके साथ लॉयल रहेगा। सूरी अगेन गेन कंट्रोल ऑफ बंगाल, बंगाल का उसको दोबारा से रूल मिल गया, हुक्मरानी मिल गई, कंट्रोल मिल गया। इन 1539 हुमायूं एंड बाबर अगेन फॉट अ बैटल एट चौसा नियर द गंगेस। चौसा एक जगह है गंगेस, गंगा के पास, और उस पे हुमायूं और बाबर ने अगेन एक बैटल लड़ी। हुमायूं गॉट डिफीटेड एंड रीच्ड आगरा, हुमायूं जो है उसको नाकामी हुई और वो आगरा चला गया। शेरशाह सूरी कैप्चर्ड हुमायूंस फैमिली एंड सेंट देम टू आगरा, शेरशाह सूरी ने हुमायूं की जो फैमिली थी उसका खानदान था उसको कैप्चर कर लिया और उनको आगरा भेज दिया। इन 1540 सूरीज एंड हुमायूंस आर्मी फॉट अ बैटल एट कनौज, बट हैवी रेन स्टार्टेड एंड हुमायूंस आर्मी रिट्रीटेड विदाउट फाइटिंग। सूरी और हुमायूं की फौजों ने दोबारा एक दोनों फौजों ने एक जंग लड़ी कनौज में, और उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश शुरू होगी जिसकी वजह से हुमायूं की जो आर्मी है वो बगैर लड़े ही रिट्रीटेड मीन्स पीछे हट गई। शेरशाह सूरी टुक कंट्रोल ऑफ कनौज एंड ऑस्टेड हुमायूं फ्रॉम इंडिया। शेरशाह सूरी ने कनौज का कंट्रोल संभाल लिया और हुमायूं को इंडिया से बेदखल कर दिया। हुमायूंस एक्सिल, एक्सिल में उसका वहां से निकलना। आफ्टर एक्सेप्टिंग डिफीट हुमायूं वंडर्ड हेयर एंड देयर फॉर रेफ्यूजी एंड फाइनली रीच ईरान। हार के बाद उस हुमायूं जो है वो इधर उधर घूमता रहा या भटकता रहा पनाह के लिए, और आखिरकार वो ईरान पहुंच गया। देयर ही गॉट रेफ्यूजी एंड हेल्प द किंग ऑफ ईरान, वहाँ उसने पनाह ली और उसने किंग ईरान की मदद की। ड्यूरिंग हिज स्टे ही हैड टू बेयर मैनी सफरिंग, उसके वहाँ पे जो स्टे था उसके दौरान उसको बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ा। व्हेन शेरशाह सूरी हर्ड अबाउट हिज सफरिंग्स ही आस्क्ड द गवर्नर टू सिविस्तान सिंध टू इनवाइट हुमायूं विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट। जब शेरशाह सूरी ने इसकी सफरिंग्स या उसकी तकलीफ के बारे में सुना तो उसने सिंध के गवर्नर को कहा कि वो उसको इज्जत के साथ और ऑनर के साथ बुलाए हुमायूं को। ही हिमसेल्फ कम्युनिकेटेड विद हुमायूं अंटिल हिज अराइवल इन सिविस्तान। सिविस्तान सिंध को कहते हैं, उस वक्त का नाम है इसका। वो खुद भी उससे हुमायूं से कम्युनिकेट करता रहा, उसको मैसेजेस पहुंचाता रहा, उससे बातचीत करता रहा जब तक कि वो सिंध नहीं पहुंचा। हुमायूं रिटर्न, हुमायूं की वापसी। शेरशाह सूरी सक्सेसफुली रूल द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट कहते हैं बड़े सगीर को, यानी जो मौजूदा पाको हिंद है उसको। इन 1545 शेरशाह सूरी डाइड एंड हिज सक्सेसर्स रूल्ड हिज एम्पायर। शेरशाह सूरी सक्सेसफुली रूल्ड सब कॉन्टिनेंट, यानी जब शेरशाह सूरी ने बहुत कामयाबी के साथ बरसगीर पे हुकूमत की, रूल किया, और 1545 में शेरशाह सूरी की वफात हो गई और उसके बाद जो उसका जानशीन था उसने एम्पायर पे या सल्तनत पे हुक्मरानी की। On his death, a strong rebellion emerged and exaggerated the unrest in the state. उसकी वफात के वक्त या उसकी वफात पे जो एक बहुत strong मजबूत ग्रुप था rebellions, एक बहुत मजबूत ग्रुप बागियों का जो है वो बना और वो उसने पूरी स्टेट में unrest क्रिएट कर दिया और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया अनरेस्ट को। और आखिरकार हुमायूं को ये मौका मिल गया कि वो दोबारा से अपना तख्त जो है वो 15 साल बाद ले सके। और ही वॉज वन ऑफ द लकी रूलर इन ह्यूमन हिस्ट्री हु एवर गॉट बैक अ लॉस्ट थ्रोन। वो पूरी जो इंसानी तारीख है उसमें एक खुशनसीब रूलर है, एक हुक्मरान है जिसको दूसरी दफा अपना जो ताकत है वो वापस मिला।
In 1554, Humayun captured Peshawar and then Lahore in 1555. 54 में उसने पेशावर को कैप्चर किया और फिर उसके बाद 55 में लाहौर को कैप्चर किया. He ruled for 1 year. उसने एक साल हुक्मरानी की. That Humayun was coming downstairs from his library to offer the evening prayers when he slipped and fell down. हमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे आ रहा था शाम की नमाज पढ़ने के लिए कि उसका पाँव स्लिप हुआ और वो गिर गया और हिज हेड गॉट बैडली हर्ट. उसका जो सर था वो बुरी तरह से जख्मी हुआ. ही कुड नॉट रिकवर एंड डाइड इन 1556. वो उस रिकवर नहीं कर सका उस चीज़ को और 1556 में उसकी डेथ हो गई, यानी वो वफात पा गया. सूर डायनेस्टी यानी सूर घराना. आफ्टर नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं द सूर डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 16 years. 16 साल फिर सूर डायनेस्टी यानी सूर जो घराना था उसने इंडिया पे हुक्मरानी की. शेरशाह सूरी 1540 to 1545. शेरशाह सूरी ऑल्सो नॉन एज द लॉइन किंग, उसे लॉइन किंग भी कहते थे. बिलोंग टू द पश्तून अफगानी सूर ट्राइब. अफगान का एक सूर ट्राइब था उससे पश्तून उससे ताल्लुक़ रखता था. हिज इंसेस्टर्स हैड ग्रेट पॉलिटिकल पोजीशंस इन द रेन ऑफ बहलूल लोदी एंड बाबर. उसके जो अबाउट दाद थे वो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिकल पोजीशंस पे थे, सियासतदान थे, जबकि बहलूल लोदी और बाबर का दौर था उस टाइम पे. ही फाउंडेड अ शॉर्ट लिव सूर डायनेस्टी इन 1540 इन नॉर्दर्न इंडिया. शेरशाह सूरी रियल नेम वॉज फरीद खान. ही वॉज बॉर्न एंड रेज इन ससारम दिल्ली नाउ इन बिहार. उसने एक शॉर्ट लिव्ड जो सूर घराने की बुनियाद रखी इंडिया में. और शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था और वो पैदा हुआ और बड़ा हुआ दिल्ली में, जो कि ससारम जो अब बिहार में है उसमें ये पैदा हुआ. शेरशाह सूरी ने इस सारे एरिया को रूल किया. ये सारा एरिया शेरशाह सूरी के अंडर आया, अंडर कंट्रोल था. ही वॉज अ करेजियस कमांडर एंड अमेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर. वो एक बहुत ही हिम्मत वाला कमांडर था और एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था. ही वॉज काइंड एंड ब्रेव, बहादुर था और मेहरबान था. ही इवन फॉरगेव हिज एनिमीज एंड नेवर किल्ड देम. वो अपने दुश्मनों को भी छोड़ देता था, उनको माफ कर देता था और उनको मारता नहीं था. राइज ऑफ शेरशाह सूरी इन 1531. शेरशाह सूरी ओवर थ्रू हुमायूं एंड टू कंट्रोल ऑफ बिहार. 1531 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को ओवर थ्रू कर दिया और उसकी जगह कंट्रोल ले लिया बिहार का. लेटर ही फॉट मैनी बैटल अगेन हुमायूं एंड रूल्ड एरिया ऑफ बंगाल बिहार एंड जौनपुर. बाद में उसने बहुत सारी जंगें लड़ी हुमायूं के खिलाफ और उसने बंगाल का, बिहार का और जौनपुर का इलाका अपने अंडर कर लिया और उस पर हुक्मरानी की. फाइनली इन 1540 ही असेंडेड द थ्रोन टू थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड आगरा आफ्टर फाइटिंग द बैटल ऑफ कनौज अगेंस्ट हुमायूं. उसने आखिरकार जो थ्रोन था, तख्त था, वो ले लिया दिल्ली का और आगरा का, जो कि उसने हुमायूं से जंग के बाद हासिल किया. राजपूत ऑल्सो फॉट मैनी बैटल्स विद शेरशाह सूरी. राजपूत ने भी बहुत सारी जो जंगें थी वो शेरशाह सूरी के साथ लड़ी. नियर अजमेर ही डिफीटेड द किंग ऑफ राजपूताना एंड ऑक्यूपाइड नियर बाई एरियाज. अजमेर के पास उसने राजपूताना का जो किंग था उसको हराया और उसके बाद उसने उस इलाके पे कब्जा कर लिया. डेथ ऑफ शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी फॉट अ वॉर अगेंस्ट द राजपूत ऑफ महोबा एट बुंदेलखंड. ये बिहार में एक जगह है. उस इन 1545 शेरशाह सूरी ने जंग लड़ी राजपूत के खिलाफ. ड्यूरिंग द वॉर ही सीज करिंजर फोर्ट विद हिज आर्मी, बट शेरशाह सूरी गॉट बैटली वुंडेड ड्यूरिंग द अटैक.
सीख मीन्स उसने मुहासरा कर लिया था क्लिंजर फोर्ट किले का, क्लिंजर किले का अपनी आर्मी के साथ, लेकिन उस दौरान शेरशाह सूरी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था उस अटैक में। द वुंड्स वर सो डेडली दैट ही डाइड अंटिल द एंड ऑफ द डे। इतने वो जानलेवा थे वो जख्म के शेरशाह सूरी जो है वो एंड ऑफ द डे यानी दिन खत्म होने तक वो वफात पा गया। ही वॉज बरेड इन हिज टोम्ब एट ससारम विच ही हिमसेल्फ गॉड बेल्ट इन हिज लाइफ। वो उसको उसके ही टोम्ब में दफनाया गया जो उसने अपनी जिंदगी में ही तामीर करवाया था। शेरशाह सूरी डायनेस्टी 1542-55 मेन उसके रिफॉर्म्स जिसके लिए शेरशाह सूरी को याद किया जाता है वो उसके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके अलावा उसने रेवेन्यू कलेक्शन का एक सिस्टम जो है वो मेयरमेंट ऑफ लैंड जो पहले नहीं होता था उसने वो इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर उसका नेक्स्ट जो था रिमेम्बरेबल वर्क वो था जस्टिस वो जो कि उसने कॉमन मैन तक इंसाफ को पहुँचाने के लिए काम किया। न्यूमरस सिविल वर्क्स वर कैरिड आउट ड्यूरिंग द शॉर्टवीन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज वेल्स एंड बिल्डिंग्स ऑफ सराय बनाए बहुत सारे मीन्स मुसाफिरों के लिए फॉर ट्रैवलर्स वॉज डन। रोड्स उसने बहुत सारी बिल्ड करवाई जो एक ग्रेट जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कहते हैं वो भी उसके रूल में तामीर हुई जो कि दिल्ली से लेके काबुल तक है। उसने करेंसी भी इंट्रोड्यूस करवाई जिसको दाम कहते थे। शेरशाह सूरी रिफॉर्म शेरशाह सूरी रूल्ड इंडिया ओनली फॉर 5 years बट मेड ट्रमेंडस रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एंड द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ द एम्पायर। शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 साल हुक्मरानी की इंडिया पे लेकिन उसने बहुत शानदार रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन में मौशी सतह पे और सियासी सिस्टम में काफ़ी सारे उसने रिफॉर्म्स लेके आया। वो द रोड नेटवर्क वॉज रिपेयर विच फर्निश लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड लेड टू न्यू एक्सपीडिशंस। ट्रीज वर ऑल्सो प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। उसने बहुत सारे रोड्स भी बनवाए और उन रोड्स के को किस लिए बनवाया गया ताकि ट्रेड बढ़ सके तजारत हो सके। और उसके जो रोड्स उसने बनवाए उनके दोनों तरफ उसने पौधे लगवाए ताकि रोड्स की वजह से एनवायरमेंटल कोई इस तरह की डिस्टर्बेंस ना हो और एनवायरमेंट अच्छा रहे पौधों की वजह से। अ नंबर ऑफ रेस्ट हाउसेज एंड इन्स वर बिल्ट फॉर ट्रैवलिंग एट एवरी 8 किलोमीटर। हर 8 किलोमीटर पे उसने लोगों के लिए रेस्ट हाउसेज और इन सराय होती हैं जहाँ पे मुसाफिर ट्रैवलर्स आके रुकते हैं वो बनवाए। वेल्स वर ऑल्सो डग फॉर देम उनके लिए कुएं खुदवाए। किचन्स वर ऑल्सो फंक्शनल टू प्रोवाइड फूड टू द पुअर एंड नीडी जो गरीब और जरूरतमंद लोग थे उनके लिए किचन्स ऐसे बनवाए जहाँ से उनको फ्री फूड मिलता था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया द सिस्टम ऑफ मेयरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स वर इंट्रोड्यूस यानी जो जितने भी प्रोडक्शन का रिकॉर्ड था और एग्रीकल्चरल जितनी लैंड थी उसको नापने के लिए उसने एक पूरा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। लैंड वॉज ऑल्सो कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोडक्शन जमीन को जो काश की जमीन है उनको भी प्रोडक्शन के हिसाब से उनकी कैटेगरीज बनाई। डिफरेंट हॉर्सेस कैरिड मेल द डार्क सिस्टम इन द एम्पायर द एक्सेलरेटेड कम्युनिकेशन बाय पोस्ट यानी उसने अपने एम्पायर में एक पोस्ट का डाक का सिस्टम पूरा मुतारिफ करवाया और घोड़ों के जरिए उसने डाक जो है वो उसकी तहसील का काम शुरू किया यानी उसको डाक को पहुंचाने के लिए उसने घोड़े यूज किए। मैग्निफिसेंट मस्जिद्स ईच अटैच टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिल्डिंग्स शोइंग इंडो इस्लामिक फ्यूजन वर आल्सो बिल्ट।
उसके दौर में, शेषासुरी के दौर में बहुत सारी मस्जिदें, शानदार मस्जिदें बनी, जिनके साथ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी मदरसा जिसके साथ अटैच होता था। उसके अलावा उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई जिसमें इंडो इस्लामिक जो कल्चर होता था उसका एक मिलाप मिलता था, यानी इस्लाम के कल्चर का भी और जो इंडिया का अपना एक वहाँ का कल्चर था उसका भी एक फ्यूजन मिलता होता था। कॉइन और रुपया रिप्लेस द ओल्ड मिक्स्ड मेटल करेंसी, जो पुरानी एक मेटल करेंसी होती थी उसकी जगह पे इसने उसको रिप्लेस करके कॉइन और रुपया लेके आया। फॉर द फर्स्ट टाइम कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन ऑल इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स, जितनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थी उस पर इसने फर्स्ट टाइम कस्टम और एक्साइज ड्यूटीज लगाई। ऑल इंटरनल टैक्सेस वर आल्सो एबॉलिश्ड, इंटरनल टैक्स जो थे वो लगाए गए। कंटोनमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द आर्मी वर एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर टू कंसोलिडेट द एम्पायर। डिफरेंट उसने कंटोनमेंट्स के कंटोनमेंट्स बनाए आर्मी के मुतारिफ करवाए, जो कि पूरे एम्पायर में या पूरी जितनी सल्तनत थी उसकी, उस रियासत थी, उस सारी में उसने बनवाए। दे वर स्ट्रिक्टली चेक बाय शेरशाह हिमसेल्फ, शेरशाह उनको खुद सख्ती से उनको चेक करता था। किलिंग एंड लूटिंग वर बैंड आफ्टर एनी विक्ट्री, किसी भी जीत के बाद लूटिंग और किलिंग जो था उसने बैन कर दिया था। किसी को मारना नहीं और किसी का सामान नहीं लेना। एंड हर दफा जब भी कोई विक्ट्री होती या कोई जंग जीती जाती है, एंड इंटेलिजेंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑफिशियल्स एंड रेबेलियंस, एक इंटेलिजेंस सिस्टम उसने मुतारिफ करवाया जो कि मॉनिटर करता था, देखता था सारी एक्टिविटीज को जो ऑफिशियल्स की, और रेबेलियंस जो उसके बागी वहाँ के लोग थे उनको, उनकी एक्टिविटीज को देखता होता था। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द किंगडम, एक नया एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया का निज़ाम उसने मुतारिफ करवाया। किंगडम वॉज डिवाइडेड इन टू प्रोवेंसेज, जो पूरी किंगडम थी उसको सूबों में डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया। एवरी प्रोवेंस हैज हैड अ सरकार्स डिस्ट्रिक्ट परगानास स्मॉल यूनिट्स एंड विलेजेस वेरी स्मॉल यूनिट्स, उसने पूरी जो अपनी स्टेट थी उसको पहले प्रोवेंसेस में चेंज किया, फिर प्रोवेंस को सरकार्स में, जो डिस्ट्रिक्ट थी उनमें चेंज किया, फिर डिस्ट्रिक्ट्स से भी परगानास बने यानी स्मॉल यूनिट्स बने, और उन स्मॉल यूनिट से भी फिर विलेजेस बनाए गए जो गांव वगैरह जो बहुत ही स्मॉल यूनिट्स थे। दिस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वॉज इंट्रोड्यूस इन साउथ एशिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जो पावर को, ताकत को तकसीम किया गया इस तरह से, ये पहली दफ़ा साउथ एशिया में मुतारिफ करवाया गया तरीका। लॉ एंड ऑर्डर वॉज अमेजिंगली मेंटेन ड्यूरिंग शेरशाह रीन, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से और मेंटेन किया गया शेरशाह सूरी के दौरे हुक्मरानी में। क्रिमिनल एक्टिविटीज रिड्यूस टू ऑलमोस्ट जीरो, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थे, क्राइम था, जराइम थे, वो बिल्कुल जीरो हो चुके थे। डाउनफॉल ऑफ सूर डायनेस्टी, सूर घराने का डाउनफॉल, इस्लाम शाह सूरी 1545 टू 1553, आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह सूरी सन जलाल खान असेंडेड द थ्रोन एज इस्लाम शाह सूरी इन 1545। शेरशाह सूरी की डेथ के बाद, उसकी वफात के बाद, उसका बेटा जो जलाल खान था उसने उस वहाँ का शेरशाह सूरी का जो तख्त था उसको संभाला इस्लाम शाह सूरी के नाम से 1545 में। इस्लाम वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ ब्रेव जनरल इन आर्मी, वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था और एक अच्छा जनरल था आर्मी का। During 10 years of his run, he continued his father's reforms. He died in 1553. जितना उसका 10 साल जो उसके हुक्मरानी थे उस सारे दौर में,
उसने अपने फादर के जो रिफॉर्म्स थे उन्हीं को जारी रखा और वो 1553 में इंतकाल कर गया। मोहम्मद आदिल शाह सूरी, आफ्टर द डेथ ऑफ इस्लाम शाह सूरी हिज 12 ईयर ओल्ड यंगर सन फिरोज शाह सूरी असेंडेड द थ्रोन इन 1555। इस्लाम शाह सूरी की वफात के बाद जो उसका बेटा था 12 साल का, वो उसने अपने बाप का तख्त संभाल लिया। इसका नाम फिरोज शाह सूरी था। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, हिज कजन मोहम्मद मुबारक खान किल्ड हिम एंड कैप्चर द थ्रोन एज मोहम्मद आदिल शाह इन 1555। जो उसका कजन था उसने फिरोज शाह सूरी को मार दिया और उसकी जगह खुद जो है वो थ्रोन पे कब्जा कर लिया, तख्त पे कब्जा कर लिया मोहम्मद आदिल शाह के नाम से। हिज वीक एडमिनिस्ट्रेशन कॉज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। आदिल शाह सूरी की मोहम्मद आदिल शाह की जो वीक एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके वजह से बहुत सारी साजिशें होना शुरू हो गई और जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो खराब होने लगी, टूटने लगी। एज अ रिजल्ट ही फेस्ड अ रिबेलियन इन हिज रीन। उसको इसके नतीजे में अपने दौर में बहुत ज़्यादा बगावत का सामना करना पड़ा। सिकंदर शाह सूरी द गवर्नर ऑफ लाहौर वॉज ब्रदर इन लॉ ऑफ आदिल शाह। सिकंदर शाह सूरी जो है वो जो कि गवर्नर ऑफ लाहौर थे वो आदिल शाह के ब्रदर इन लॉ थे। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ सुल्तान फॉर किलिंग द फिफ्थ रूलर ऑफ द सूर डायनेस्टी। उसने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया उस फिफ्थ रूलर को मारने के बाद इब्राहिम शाह सूरी को इन 1555। उसने इब्राहिम शाह सूरी को मारने के बाद खुद को वहां का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया या ऐलान कर दिया। इट कॉज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम। इसकी वजह से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था वो पैदा हो गया और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में या किंगडम में अनरेस्ट पैदा हो गया। हुमायूं गॉट अ चांस टू अटैक दिल्ली। हुमायूं को मौका मिल गया दिल्ली पे हमला करने का। ही ओवरथ्रू सिकंदर शाह बाय डिफीटिंग हिम। उसने सिकंदर शाह को हरा दिया। हुमायूं रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट फॉर 1 ईयर एंड डाइड। हुमायूं ने फिर सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की 1 साल और फिर वो मर गया। लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। After the Lodi dynasty, Mongols, also called Mughals, ruled over India from 1526 until the War of Independence in 1857. Lodi घराने के ख़त्म होने के बाद Mongols जो के Mughals के लाते थे उन्होंने India पे rule किया और उन्होंने 1526 से लेकर वो जब तक 1857 आज़ादी की जंग नहीं हुई तब तक उन्होंने हुकूमत की। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन सब कॉन्टिनेंट। बाबर ने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी बरसगीर में। आफ्टर द डेथ ऑफ ज़हीरुद्दीन बाबर इन 1530 हिज सन नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बिकेम द सक्सेसर। उसकी वफात के बाद मोहम्मद हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था वो वहाँ का जानशीन उसका बन गया। In 1540, Sher Shah Suri took control over Kannauj and exiled Humayun from India. Sher Shah Suri ने 1540 में वहाँ का कंट्रोल ले लिया और हुमायूं को वहाँ से निकाल दिया इंडिया से। हुमायूं was one of the lucky ruler in human history who regained his lost throne. हुमायूं इंसानी तारीख का वो खुशकिस्मत हुक्मरान है जिसको उसका खोया हुआ तख्त है वो दोबारा वापस मिल गया। शेर शाह सूरी फाउंडेड द शॉर्ट लिव्ड सूर डायनेस्टी इन 1540 इन इंडिया। एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड यानी छोटी उम्र की जो सूर घराने का रूल था उसका फाउंडर जो था वो शेर शाह सूरी था। इंडिया में जो 1540 में किया हुआ था शेर शाह सूरी रूल्ड इंडिया ओनली फॉर 5 ईयर्स but made tremendous reforms in the administration, economic system and political system of the empire. Sher Shah Suri ne India mein sirf 5 saal hukumrani ki lekin usne bahut hi zabardast administrative, economic aur political system is puri empire mein introduce karwaya. After Sher Shah Suri Islam
शाह आदिल शाह एंड सिकंदर शाह रूल द दिल्ली सल्तनत। शेर शाह सूरी के बाद वफात के बाद इस्लाम शाह, आदिल शाह और सिकंदर शाह ने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया, हुक्मरानी की। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर लेसन नंबर 10, द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। आई होप कि आपको ये सारा लेसन समझ आया होगा और इससे रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज नहीं होंगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सी यू इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।